Welcome on our green classes. In this part of the video, you will be learning some words of Ode to Autumn written by John Keats. ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया, जो मैंने अभी बताया है, जिनका जन्म 1795 और डेथ जो है 1821, बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी. इसके बारे में जब हम बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे. इसके हम कुछ वर्ड्स को करने जा रहे हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है. जॉन किट्स ने ज़्यादातर ओड टाइप के जो है पोएम्स अधिकतर लिखे हैं. ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसके वर्ड्स के. तो जो सबसे पहला वर्ड है इसमें, वो है आपका मेलो, MELLOW. ये एक एडजेक्टिव है. इसके मीनिंग होते हैं सॉफ्ट एंड स्वीट इन टेस्ट. जब आप खाते हैं ना किसी चीज़ को, तो उसके स्वाद बिल्कुल ही, अगर आपको मुलायम लगती है, मुँह में रफ नहीं लगता है आपको, और क्या लगता है, मीठा लगता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, मेलो कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ्रूटफुलनेस, FRUITFULNESS. ये एक नाउन है. आपको मैंने बताया था जिस वर्ड में नेस लग जाता है वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है. आपको कमेंट बॉक्स से बताना है कि फ्रूटफुलनेस कौन सा नाउन है. ठीक है, तो फ्रूटफुलनेस का यहाँ पे मीनिंग है आपका एबंडेंस. एबंडेंस का मतलब मीनिंग होते हैं अधिकता, प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ उपलब्ध होने की जो क्रियाकलाप होती है उसको एबंडेंस कही जाती है. ठीक है, खास करके एबंडेंस में जरूरत से अधिक मात्रा में जब कोई चीज़ होती है तो उसको एबंडेंस कही जाती है. नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर में कॉन्सपायरिंग. कॉन्सपायरिंग, CONSPIRING. ये एक वर्ब है आपका. इसका मीनिंग है स्कीमिंग, मतलब योजना बनाते हुए, षड्यंत्र करते हुए, किसी चीज़ को कैसे करेंगे उसको समझते हुए, तो इसे को कॉन्सपायरिंग कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका वाइन्स, VINES. ये एक नाउन है. इट मीन्स क्लाइंबिंग प्लांट्स हुज फ्रूट इज द ग्रेप. ठीक है, आपको पता है कि अंगूर की लताओं को वाइन्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग दे रखा है इंग्लिश में, इसको जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो एक अलग टाइप से खुल के और मीनिंग आ रहा है. कहता है कि क्लाइंब करने वाली जो प्लांट होती है, आपको पता है एक प्लांट जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, उसको क्लाइंबर्स कहे जाते हैं. तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं जिनके फ्रूट ग्रेप होते हैं, तो उसी को वाइन्स कहे जाते हैं. नेक्स्ट है आपका प्लम्प, PLUMP, प्लम्प. ये एक आपका वर्ब के रूप में काम कर रखा है. इसका मीनिंग है मेक फ्लेशी और फैट, मतलब किसी के अंदर में बिल्कुल जान डाल देना, उसके अंदर में गुद्दा पैदा कर देना, या मोटापा पैदा कर देना, उसको फुला देना. तो ये सब जो सारा काम होता है इसी को प्लम्प कहा जाता है, PLUMP. नेक्स्ट है आपका हैजल, HAZL. ये एक आपका नाउन है. इसका मीनिंग है स्मॉल ट्रीज दैट प्रोड्यूस स्मॉल नट्स, मतलब छोटे छोटे पेड़ जो कि छोटे छोटे नट जो है देते हैं, अपने पेड़ में उगाते हैं, अपने ट्री में उगाते हैं, तो इसी को जो है हैजल कहा जाता है. इसके बाद है कर्नल, KERNEL. वो वाला कर्नल मत समझना, लेफ्टिनेंट कर्नल वाली, ये डिफरेंट है. ये आपका नाउन है. इट मीन्स सीड और कोर, मतलब जो बीज होती है, या कोर का मतलब होता है बिल्कुल बीज के बीच का जो भाग होता है, तो उसी को कर्नल कहा जाता है. इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर में ओवरब्रिम्ड. क्या है ओवरब्रिम्ड, BRIMM. यहाँ पे ये जो राइटिंग है इसको एक लिटरेरी टर्म्स कहा जाता है, जिस तरीके से इसको लिखा जाता है वो हम आपको बताएंगे कभी, लिटरेरी टर्म्स की क्लास कराएंगे तो आपको. तो ये एक वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है. इसके मीनिंग होते हैं फिल्ड सो मच दैट सम स्पिल्स ओवर, मतलब इतना ज़्यादा किसी चीज़ को भर देना कि कुछ भरा हुआ जो बाहर निकल जाता है. जैसे आपने बाल्टी में पानी डालना शुरू करते हैं तो इतना ज़्यादा पानी डाल देते हैं, कुछ क्या होते हैं, ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो इसी को ओवरब्रिम्ड कहा जाता है. मतलब मुंह तक भरने के बाद जब पानी नीचे की तरफ गिरने लगता है, या कोई चीज़ नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो उसी को ओवरब्रिम्ड कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका यहाँ पर में ग्रैनरी, GRANARY. तो ग्रैनरी क्या होते हैं, तो ग्रैनरी एक नाउन है. इट मीन्स स्टोर हाउस ऑफ फॉर ग्रेन, जो अनाज के दाने होते हैं उसका जो गोदाम होता है या स्टोर हाउस होता है,
जिसमें सबको एक जगह जमा करके रखा जाता है तो उसी को ग्रैनरी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विनोइंग। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पीपी लगा रखा है तो पीपी पास्ट पार्टिसिपल भी होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों होते हैं, डब्ल्यू आई डबल एन ओ डब्ल्यू आई एन जी विनोइंग। अगर आपने थोड़ी बहुत SST को सही से पढ़ी होगी, सोशल साइंस को, जिसमें कोई चीज़ खेत से काट के लाते हैं, जैसे धान को काट के लाते हैं या गेहूँ को काट के लाते हैं, तो वहाँ पर मैं आपने विनोइंग जरूर पढ़े होंगे। ये भी एक प्रोसेस होता है जिसमें छिलके से दाने को अलग किया जाता है। यहाँ पे दे रखे हैं ब्लोइंग ए करेंट ऑफ एयर, दे भी रखे हैं टू रिमूव इट्स आउटर कवरिंग, मतलब बाहरी जो उसके ऊपर कवर किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है उस कवर को हटाने के लिए जब हम हवा का झोंका को इसका इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक साथ करंट ऑफ एयर का इस्तेमाल करते हैं तो उसी को विनोइंग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वाद। इसको स्वाथ मत पढ़िएगा, स्वाद, SWATH, स्वाद। ये एक नाउन है। इट मीन्स ए लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स हैव बीन कट। कई बार आपने खेतों में देखे होंगे कि फसल को काट दिया जाता है, तो काटने के बाद क्या होता है आपने देखे होंगे, उसकी जड़ें छोटी छोटी ऐसे यहाँ पर मिलेगा, एक एक यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ उसको मतलब बोई जाती है, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ऐसे करके मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर में जो है कटाई हो चुकी है इस फसल की, तो इसी को कहा जाता है लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है, ऑन विच क्रॉप्स हैव बीन कट, ठीक है, लैंड का वह बड़ा सा टुकड़ा जहाँ पर में आपका फसल को काट लिया गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका इस्तेमाल जो है स्वाद के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट जो इसमें दिए हुए हैं वो है आपका ग्लीनर, GLEANER, ये एक नाउन है। इट मीन्स वन हु कलेक्ट्स और गैदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि या तो जमा करता है किसी चीज़ को या इकट्ठा करता है, उसी को यहाँ पर में ग्लीनर कहे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका कॉयर, CHOIR, कॉयर। तो कॉयर जो होते हैं ये आपको कोरस के रूप में काम करते हैं। कोरस कब होते हैं? जब बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाते हैं, एक साथ कुछ बोलते हैं, तो उसी को कोरस या कॉयर कहा जाता है। तो कोरस का इस्तेमाल जो है गीत गाने में, गाने की जो मंडली होती है उसके साथ किया जाता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिसमें एक साथ कई सारे सिंगर्स गाते हैं, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कोई फिल्मी सॉन्ग हो या कोई क्वाली हो, तो वो जो मिलते हैं जो मेन सिंगर के साथ गाते हैं उसी को कोरस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका नैट्स। क्या है? नैट्स, GNATS, नैट्स, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, GNATS, नैट्स। इसमें जी साइलेंट होते हैं, मतलब जी को नहीं बोला जाता है, ध्यान रखिएगा नैट्स में। तो नैट्स के मीनिंग होते हैं स्मॉल फ्लाई विद टू विंग्स दैट बाइट, मतलब दो पंखों वाली छोटी सी मक्खी होती है जो कि काटती है, इसी को नैट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्वालोज, SWALLOWS, ठीक है, स्वालोज। ये एक प्रकार का यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में दे रखे हैं, ऑफ एन अनहेल्दी येलो कलर, मतलब येलो कलर होता है लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसी को यहाँ पे स्वालोज कहा गया है। वैसे स्वालोज का मतलब आपको पता है और क्या होते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके दिए हुए हैं BOURN, बोर्न। तो BOURN जो बोर्न है ये एक आपका नाउन में दिए गए हैं। इसके मीनिंग होते हैं डोमेन या लैंड, मतलब कोई जगह या किसी लैंड का जो भाग होता है उसी को यहाँ पे बोर्न कहा गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका हेज क्रिकेट। यहाँ पे हेज जो स्पेलिंग है, क्या है स्पेलिंग? HEDGE, तो इसमें आपको डी को नहीं बोलना है, केवल जी को बोलना है, हेज, हेज क्रिकेट, ठीक है। तो हेज क्रिकेट के मीनिंग होते हैं, ये नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, ब्राउन ग्रीन पिंक इंसेक्ट, ब्राउन कलर का, ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, मतलब तीनों रंग होते हैं इसमें, ब्राउन भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, एक इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट मतलब जो कीड़ा होता है, विच मेक्स श्रिल नॉइस इन द बुश, जो कि बहुत ही कानों में लगने वाला आवाज़ करता है, किसी झाड़ी में जा कर के बुश में चला जाएगा और वो खूब अपनी ताकत से जो है क्या करता है, अपना आवाज़ निकालता है, शोर करता है, जिससे हमारे कानों को लगता है
कानों को वहीं लगता है जो श्रिल नॉइज होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें दिया हुआ है रेड ब्रेस्ट। ठीक है, अब आपको पता है REG रेड मतलब क्या होते हैं और BREST ब्रेस्ट मीन्स क्या होते हैं। तो आपको पता होगा कि रेड मीन्स लाल होते हैं और ब्रेस्ट जो होते हैं वो वुमेन या फीमेल की जो चेस्ट होती है इसी को ब्रेस्ट कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर में कि रेड को और जब ब्रेस्ट को दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो एक नया वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नया वर्ड। ऐसे करके आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, ये नया वर्ड क्या बना यहाँ पर में वो देख सकते हैं आप। उसका नाम है ए बर्ड कॉल्ड रॉबिन, मतलब रॉबिन जो पक्षी होता है, ठीक है, उसी को जो है यहाँ पर रेड ब्रेस्ट नाम दिया गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर रॉबिन क्यों नहीं लिख दिया गया कि इतना बड़ा जो है रेड ब्रेस्ट दिया गया है। तो यही कलाकारी होती है, जब एक अच्छे राइटर या एक अच्छे पोइट जब लिखते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ही उम्दा लेवल की होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इजी वर्ड रॉबिन का इस्तेमाल ना करके यहाँ पर मैं रेड ब्रेस्ट का यूज़ किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राइपनेस, RIPENESS, ये राइप से बना हुआ है, ये एक नाउन है आपका। इसके मीनिंग होते हैं रेडी टू बी गैदर्ड, मतलब किसी चीज़ को जमा करने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, कि अब पक चुका है, अब इसको या तो काट लो या तो इसको तोड़ के गिरा लो, तो इसी को यहाँ पे राइपनेस कहा गया है। तो इसके साथ जो है आपका ओड टू द ऑटम है, इसके हम वोकैबुलरी को कवर कर चुके हैं। आई होप यू वुड हैव एन्जॉयड ऑल दिस वर्ड्स व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द पोएम। जब आप पोएम को एक्सप्लेन करेंगे या मीनिंग को इंटरप्रेट करेंगे या उसकी मीनिंग के लाइन के मीनिंग को निकालने का प्रयास करेंगे तो ये सारे वर्ड्स वहाँ आपको बहुत हेल्प करेंगे।